देखिए आप देख रहे हैं पूरे देश में अनसर्टेनिटी है, कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, आम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई नहीं है, ग्राउंड का कोई उनको मालूम नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रियासत के हित में और देश के हित में हमने फैसला किया। राजन जी, अभी अल्ताफ बुखारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 370 जब हटा तो गुलाम नबी आज़ाद का बहुत बड़ा रोल था, वो तब बोले नहीं और आज वो जम्मू कश्मीर की सियासत में आकर यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, उनको मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो रोल किया वो पार्लियामेंट के अंदर किया और पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने सुना कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का क्या रोल उसके लिए रहा, और बुखारी साहब के कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है उनको ज़्यादा खतरा हो गया कि अपनी पार्टी के जो तमाम नेता वो नई पार्टी में जा रहे हैं? आदास डर तो है सबको, डर तो सबको होता है और है। क्या भूमिका रहेगी जो नई पार्टी आजाद साहब बना रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में ओवरऑल जो है वो क्या भूमिका रहेगी उस पार्टी की? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने समय में रियासत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जहाँ की बेहतरी बहबूदी के लिए जो काम किया है, वो जम्मू हो वो कश्मीर हो सारे लोग जानते हैं। तो आगे जब वो आएंगे तो उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक़्त तो उनको बड़ा कम समय मिला था, तो ये लोग जानते हैं, इसीलिए लोग आप अलग अलग पार्टियां छोड़ के गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन करने की कोशिश। ये जो कहा जा रहा है सी पार्टी सी टीम है, बी डी टीम है, मैंने पहले कह दिया किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सेकुलर थे सेकुलर हैं, जो पार्टी बनेगी वो सेकुलर होगी, हमारा अलायंस जो होगा सेकुलर पार्टीज के साथ होगा, बीजेपी के साथ किसी किस्म का अलायंस होने का सवाल ही पैदा नहीं, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी सवाल ही पैदा नहीं होगा। नहीं, वो क्या बात करते हैं आप, हमारा लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब उन्होंने रिज़ाइन दिया उसमें उन्होंने डिटेल्स लिखी कि अगर हमारे नेता हमारे लीडर को अगर कोई परेशानी होगी तो अगर हम उनके साथ नहीं चल पड़ेंगे तो फिर हम लीडर कैसे कह सकेंगे, फिर अपने आप को हम छोड़ के कैसे कहेंगे कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं। तो इसीलिए हम उठे और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चल पड़े और रिज़ाइन किया, उनके साथ बैठे। देखिए, जब हमारे नेता हमारा लीडर और देश का लीडर, खाली नहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि देश में एक बहुत बड़े लीडर की पदावार लीडर की है, अगर वो महसूस करते थे कुदरती हम तो उनके साथ खड़े हैं, जहाँ पे भी वो रहे हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे, और हमने भी महसूस किया और हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब की नेतृत्व को कबूल किया और हमने लबैक किया हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं और उन्हीं की नेतृत्व में हम आगे भी चलेंगे, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो भी ज़मीन के ऊपर है, जो रियासत के लिए उन्होंने कार्य किए वो भी ज़मीन के ऊपर हैं, और एक बहुत बड़ी तारीखी कदम जो उन्होंने यहाँ उठाए हैं जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, किसी जगह भी उन्होंने बैलेंस करके हर एक जगह काम किए कार्य किए, वो भी तो ज़मीन पर खड़े हैं। सर, किस आइडियोलॉजी के साथ नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जाएगी कमिंग डेज के बीच? देखिए, ये हमेशा गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सेकुलर लीडर रहे हैं, और सेकुलरिज्म का अगर माने देखने हो, उसकी ट्रांसलेशन सुननी हो, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत है। तो वो जब आएंगे, जब पार्टी बनेगी उसके सिद्धांत बनेंगे, रोड मैप बनेगा, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच क्लियर रहेगी, उनकी सेकुलर पार्टी होगी, उनके बिल्कुल क्लियर होगा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और यही हमें आपको आगे लेके जाएगा। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको पॉलिटिकल फ्यूचर क्या लगता है जम्मू कश्मीर का, क्या सिनेरियो आने वाले डेज में आपको लगता है? मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर से मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से कुछ सियासी मसाइल है जम्मू कश्मीर के, खासकर आर्टिकल 370 का हटना, क्या आपके सियासी मंशूर में वो होगा उसकी बहाली या फिर सपोर्ट करना? देखिए, इस वक्त कोई अगर टिप्पणी कर रहा है और कोई बात करेगा, हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पास केस है सब जुडिस है, तो इसमें कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अब आज़ाद साहब के क्या लाहे अमल होगा, उनका रोड मैप क्या होगा, पार्टी उसी सिद्धांत को अपना कर आगे चलेगी। ये ए बी और सी डी टीमों की भी इल्जाम आप पर आए होते हैं, किस तरह से आप अगर 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 गुलाम नबी आज़ाद साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मेरे ख्याल पागल हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर ए टीम होता है बी टीम होता फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, क्या बातें करते हैं। जो गुलाम नबी आज़ाद की एक छवि है
सेकुलर छवि जो तमाम हिंदुस्तान के अंदर है, और मेरी समझ में ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ही हिंदुस्तान है।